नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परसों की बात की जाए तो परसों जो है यहाँ पर एक युवक ने पुल से जो है छलांग मारी थी और अभी तक जो है उसकी जो है कहें तो डेड बॉडी जो है वो अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि परसों का ये वाक्य है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं SDRF जो है सर्च ऑपरेशन जो कि परसों भी चल रहा था और आज फिर से जो है उस व्यक्ति को जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ये आप लाइव दृश्य जो है हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। परसों का वाक्य जो है ये युवक ने जो, लेकिन अभी ये सामने नहीं आ रहा कि युवक ने जो है खुद से छलांग मारी थी, लेकिन अगर बात की जाए तो यही सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पुल है, पुल से जो है इस युवक ने जो है छलांग मारी थी। और सुनने में ये आ रहा है कि वो युवक जो है वो फ़ोन पर काफ़ी देर तक जो है पुल पर बैठ कर फ़ोन पर बात करता रहा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उसने छलांग मारी। और परसों से जो है सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस युवक का जो है पता नहीं लग पाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से SDRF की टीम जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करती हुई। ये भी आ रहा है कि काफ़ी देर तक जो व्यक्ति है वो फ़ोन पर बात करता हुआ नज़र आया, और उसके बाद जो बात का वाक्य जो है अभी कुछ पूर्ण तरीके से नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ छलांग मारी थी उन्होंने या फिर वो पुल पर बैठे हुए गिरे उल्टी साइड से, कुछ ऐसा कुछ सामने जो है वो निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन SDRF की टीम की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं लाइव कर रही हूँ, ठीक है, देख लो चल रहा है सर्च ऑपरेशन। मैं बोल रही हूँ, मैं खुद ही आ गई थी चारों पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर भी आप देख सकते हैं जनता जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। आप ऊपर देख सकते कितना जो रश आपको देखने को मिल रहा है ऊपर पुल पर। यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, परसों से जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जा रही है, लेकिन अभी कुछ सामने निकल कर नहीं आया क्या कुछ हुआ था उस दिन, वो भी अभी पूर्ण तरीके से सामने निकल कर नहीं आया। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन, उस व्यक्ति का सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। किस तरीके से SDRF की टीम जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कुछ क्यों उस व्यक्ति ने छलांग मारी या क्या कुछ था वो पूर्ण तरीके से अभी सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं SDRF की टीम जो है यहाँ पर पूर्ण तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करती हुई और एक एक जगह जो है वो खंगाली जा रही है। ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये लाइव दृश्य जो है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है SDRF की टीम की तरफ से, और पूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और आप ऊपर पुल के दृश्य देख सकते हैं कि कैसे ऊपर पुल पर जो है लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, कैसे ऊपर से लोग भी जो है यहाँ पर देख रहे हैं। और यहीं पर वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, फोन पे बात कर रहा था, क्या कुछ था वो अभी पूर्ण तरीके से सामने नहीं आया। लेकिन आप देख सकते हैं SDRF की जो टीम है पूरा यहाँ पर अच्छे से जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करते हुए नजर आ रही है। ये दृश्य जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं।
पानी के बहाव की बात की जाए तो पानी का बहाव जो है इस समय इतना तेज नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर SDRF की टीम जो है पूर्ण तरीके से यहाँ पर उस व्यक्ति को खंगालने की कोशिश कर रही है। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्या पता उस व्यक्ति का जो कोई जानने वाला हो वो हमारी वीडियो के माध्यम से उसको देख सके और बता सके कि क्या कुछ मुश्किलात क्या कुछ था, क्या उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, क्या कुछ था, वो भी आपके तक ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन ये लाइव दृश्य जो है आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, SDRF की टीम जो है यहाँ पर पूर्ण खंगालने की कोशिश कर रही है, पूरा सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर चल रहा है और लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भी यहाँ पर ऊपर से पुल के ऊपर से देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च ऑपरेशन, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है उस व्यक्ति का शव जो है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन पूरी कोशिश करते हुए SDRF की टीम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं अपने लाइव दृश्य अपने चैनल के माध्यम से। ये देख सकते हैं आप पूरी कोशिश जो है यहाँ पर SDRF की टीम की तरफ से की जा रही है, उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है, किस तरीके से जो है उस व्यक्ति को पूरा ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है उसका शव जो है वो बरामद नहीं किया गया, नहीं मिला है अभी उसका शव। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं SDRF की टीम जो है पूरा सर्च ऑपरेशन करते हुए अभी तक शव नहीं मिला, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप आए दिन जो है अगर बात करें तो गुजर नगर पुल की, वहाँ पर भी जो है वारदातें सामने आती रहती, कोई ना कोई वहाँ से शख्स जो है कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है और कभी कोई गिर जाता है, कुछ ऐसी बातें जो है वो सामने आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्च ऑपरेशन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये SDRF की टीम की तरफ से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो व्यक्ति जो है परसों की बात की जाए तो परसों वो इस सूर्यपुत्र तवी नदी में कहा जा रहा है कि वो गिरा है, और कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उसने सुसाइड जो है वो करने की कोशिश की है। क्या कुछ वो वाक्य था, क्यों उसने ऐसा किया, वो अभी लेकिन पूर्ण तरीके से सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं परसों से और आज भी जो है SDRF की टीम की तरफ से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है उस व्यक्ति का शव जो है वो नहीं मिला है। जुड़ रही है आप हमारे साथ और यहाँ पर हम आपको दृश्य दिखाते रहेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर SDRF की टीम जो है खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो है कुछ सामने निकल कर नहीं आया और अभी तक उस व्यक्ति का शव जो है वो सामने नहीं आया है। ये
होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है अंगाला जा रहा है। इसकी सुन, इससे बाई थोड़े सुन क्या छोड़ ऐसे ही लेंगे, पूछ तो सही पहले, सुन तो सही बोल पूछ करेंगे। ये लाइव दृश्य हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर SDRF की टीम जो है सर्च ऑपरेशन करते हुए। भैया फैमिली का कोई नहीं, वो तो इनका हेड है SDRF के, परसों परसों यहाँ पर जो है SDRF के चीफ जो है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर नीचे हो,
साहिल, साहिल बाल्टी देख सकते हैं यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और बात करने की भी कोशिश करेंगे इनसे। परिवार कहाँ है? नीचे परिवार से भी आया हुआ है तो पता नहीं है। कहाँ भैया ये आपके मोहल्ले के थे जिन्होंने? मेरा मामा लगता है। कितनी इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र लगभग कोई 17-18 साल हो गई। 17-18 साल हो गए। कितनी है? 17-18 साल उम्र। क्या नाम, क्या नाम था इनका? रिंकू। क्या कौन से इलाके से है? एबीसी रोड कबीर बस्ती। इनको क्या कोई टेंशन थी, क्या इन्होंने सुसाइड किया है? तो फिर यहाँ पर क्या क्या कुछ वारदात हुई आपको कुछ पता होगा? इतना तो नहीं पता, खाली इतना पता कि खाई भी हुई थी। तो यहाँ पर बैठे हुए थे? नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पर बैठे हुए थे। भैया के नाम क्या था उनका? रिंकू कुमार। क्या काम करते थे? ये सब्जी की रेडी लगाते थे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते आए थे? खाई पी हुई खाने पीने। अच्छा, अकेले आए थे? अकेले थे। इनके परिवार में और कौन कौन है? कहाँ पर उनके? यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उनकी फैमिली से जो है, रिंकू जी की फैमिली से भी आपको बातचीत करवाएंगे। ये सब जो है रिंकू जी की फैमिली से है। क्या लगते थे रिंकू जी आपके? छोटा ब्रदर। क्या क्यों आए थे वो यहाँ पर, क्या कुछ हुआ था उस दिन? क्या घर पे कोई टेंशन थी? और घर पे कौन कौन है? सभी है, मम्मी। मैरिड थे ये? नहीं, उम्र एग्जैक्ट उम्र क्या थी उनकी? ये तो पूरी 22 साल है। छोटे ही थे, कोई टेंशन कोई नहीं, नहीं, तो यहाँ पर वो अकेले आए थे? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका परिवार जो है नम आंखों से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक शव जो है वो नहीं मिला है। 22 साल, सिर्फ 22 साल उम्र थी उनकी। उनका नाम जो है वो रिंकू जी था और बीसी रोड वो रहते थे और एक सब्जी की रेड़ी जो है वो लगाते थे। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर आपसे हमने बातचीत कराई उनकी परिवार से, वो यही कह रहे हैं कि उनको घर पे कोई टेंशन नहीं थी और यहाँ पर जो है वो खाने पीने के लिए आए थे। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, वो भी अभी पूर्ण तरीके से नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हम यही दुआ करेंगे परमात्मा से जल्द उनका शव जो है उनके परिवारजन को मिल जाए। लेकिन 22 साल उम्र, काफ़ी कम उम्र और ये सब कुछ। तो आप अपने सुझाव जो है साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि कल को कोई और ऐसा ना करे। यहाँ पर ये प्लेस नहीं है कुछ खाने पीने की और खा पी कर जो है यहाँ पर कुछ क्या कुछ वारदात उस दिन हुई, कुछ अभी कुछ सामने नहीं आया। लेकिन अगर SDRF की टीम की बात की जाए तो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी हम आपके तक ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पर छानबीन जो है वो पूरे तरीके से चल रही है। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आगे की अपडेट्स हम आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे समीक्षा कार्यालय को दीजिए।